बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ तक अभी तक के जो रोज़े गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि आगे भी अल्लाह ताला खैर करें और सबके लिए आसानियां पैदा करें। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी लोबिया चना चाट। अच्छा, लोबिया चना चाट के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्चें, धनिया काट दिया, चने बॉयल निकाल लिए थे, लोबिया भी बॉयल रखा हुआ था वो भी निकाल लिया। अब यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी शिमला मिर्चें, टमाटर, प्याज, तो वो चाट में मैं नहीं डालूंगी। बस जब मैं खड़ी होती हूँ कटिंग वाले की साइड पर, तो मैं सारी चीज़ें एक साथ मतलब कट करके रखती हूँ जो जो मैंने काम करना होता है। यहाँ लोबिया जो चाट थी उसके अंदर मैंने डाल दिए बॉयल पोटैटोज भी, फिर इसके अंदर चाट मसाला, इमली का पानी डाला है, नमक डाला है और इसके अंदर मैंने डाला है कुटा हुआ और भुना हुआ सफ़ेद जीरा और सूखा धनिया, वो 2 से 3 टेबलस्पून भर के डालें, उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ठीक है, वो डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया और लोबिया चना चाट हमारी तैयार हो गई है। और यहाँ पता नहीं क्या मेरे कैमरे को क्या इतनी लाइट जो तेज़ मेरे मुंह पे पड़ रही है कि पता नहीं उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, क्या चक्कर था। तो चना चाट हो गई है रेडी और ये वेजिटेबल्स भी मैंने कट करके रख दिए। अब यहाँ पर मैं छील रही हूँ मटर। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल बेक पास्ता, बहुत मज़े का बनता है, सिर्फ वेजिटेबल के साथ हम बनाएंगे और इसमें अपनी मर्जी की सब्जियाँ डालें। मैं शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और क्या उबले हुए आलू डालूंगी, मटर उबाल के डालूंगी। यहाँ पर अभी मैं ये डाल दिए मैंने मैक्रोनी बॉयल होने के लिए। यहाँ पर एक प्याज ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून, और बस इसको कुछ भी नहीं करना, चूल्हा ऑन कर दिया। तो साथ ही मैंने ये कश की हुई कैरेट्स डाल दी हैं और तकरीबन 1 से 1.5 गाजर होगी, ज़्यादा नहीं है, इतनी डाली हैं। और इसके साथ ही जो शिमला मिर्चें हैं, शिमला मिर्चें मेरे पास थी 2 दरमियाने साइज की शिमला मिर्चें थी, वो डाल दी हैं। और आलू मैंने बॉईल कर लिए थे चाट के लिए भी और इसके लिए भी इकट्ठे उबाल लिए थे, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और मटर इसके अंदर मैं उबाल कर डालूंगी। तो इसके इन वेजिटेबल्स के साथ मैं बना रही हूँ, आप कैबेज भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त नहीं थी तो मैंने नहीं डाली यहाँ पर। अच्छा, मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज, उबले हुए थोड़े से आलू, ये सारी चीज़ें मैंने यूं इकट्ठी कर ली, हाथ से थोड़ा सा मसल लिया, आलूओं को भी मैश कर लिया, फिर इसमें नमक डाल दिया, थोड़े से ओरिगैनो भी डालें, काली मिर्चें भी थोड़ी सी कुटी हुई डालूंगी और फिर इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी मक्खन। ये पहले मैंने आपके साथ ब्रेड के सैंडविचेस भी, बेक्ड सैंडविच शेयर किए हैं, तो अब ये जो है ना, मैं आज ये बर्गर के बंस, कल जब मैंने बर्गर्स बनाए थे ना तो बच गए थे 2 बंस, 2 मतलब के पेयर ना, तो वो बच गए थे, तो मैंने उसको हाफ मून की शेप में काट लिया और उसके ऊपर मैं डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पर मटर भी डालने के बाद मैंने नमक डाला, मिक्स हर्ब्स डाली हैं मैंने इसके अंदर, थोड़ा फ्लेवर के लिए। अपने आप से एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि आपको नए नए फ्लेवर्स मिलते हैं, फिर आइडियाज आते हैं। तो मैंने मिक्स हर्ब्स डाल दी, फिर चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला और ये कल की मेरे पास बची हुई थी ना पिज्जा चीज, सॉरी पिज्जा चीज नहीं, चीज सॉस, चीज सॉस जो कल मैंने बनाई थी, बर्गर्स में भी यूज की थी, पिज्जा की टॉपिंग में भी यूज की थी, तो वो वाली चीज सॉस अब बची हुई थी तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना वो क्रीमी चीजी सा इसके अंदर आ जाएगा। और ये जो पास्ता बॉयल किया था वो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। और यहां तक भी इतना डन करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको बेक करूंगी। अच्छा, यहां पे मैं इसके ऊपर कश कर रही हूँ मक्खन को, ये थोड़ा ज्यादा कर लें जितना, मतलब आपको इतना हो कि ये आपकी वेजिटेबल्स के साथ बाइंड होकर बड़ा जब मेल्ट होता है ना तो बहुत अच्छा इसका मजे का फ्लेवर आता है। चीज नहीं डालूंगी और ये जो आपको कटे हुए बर्गर्स नजर आ रहे हैं इसके ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस 1 टीस्पून के जितना लिया होगा और बस उसको स्प्रेड कर दिया है। अगर नहीं है चिली गार्लिक सॉस तो आप केचप भी डाल लें, बस बहुत ज्यादा नहीं डालना, हल्की सी इसकी एक लेयर सी हमने ऊपर डालनी है और फिर इस तरीके से ये लेकर, तो यहाँ इसके ऊपर इस तरीके से मैं फिलिंग इसके डाल के एडजस्ट कर रही हूँ। चाहे तो पूरा बन आप लेके उसके ऊपर भी करके फिर बाद में भी कट कर सकते हैं और चाहे तो आप पहले ही इस तरीके से काट के तो ऐसे इसके ऊपर सेट कर लें ऊपर टॉपिंग से सही भरा हुआ। और ये भी सब्जियों की टॉपिंग है, इसको मैंने बस
5 मिनट रखा होगा, या टेम्परेचर भी मुझे नहीं याद, बस जिस पे सेट था ओवन तो बस मैंने रख दिया। ये कोई इसमें इतना वो पकाने वाला सीन तो है नहीं, ये तो सिर्फ एक थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाती है ऊपर वाली, वेजिटेबल्स थोड़ी सी हमारी हो जाती हैं रोस्टेड, तो बड़े मजे के ये सैंडविचेस बन जाते हैं। फिर यहाँ पर पास्ता ट्रे में मैंने डाल दिया, उसके ऊपर अब चीज, और यहाँ हमेशा की तरह मरियम मेरे पास खड़ी थी और उसका ये था कि चीज और डालें और डालें, कोई जगह खाली ना रह जाए, इस चीज से भर दें इसको पूरा। और मैं उसको कह रही थी कि मैंने अब बहुत ये जो डाल दिए। चाट थी तैयार हो गई थी, तो इसको भी मैं ट्रे में जिस डिश में मैंने निकालनी थी उसमें मैं डाल रही हूँ, और बड़े ही मजे की, अभी भी ना मुंह में पानी आ रहा है। इमली का पानी आप ज्यादा डालें, लेमन भी डाल सकते हैं, तो फिर ये इस तरह के लोबिया चने की बड़ी खट्टी सी चटपटी सी चाट मजेदार सी तैयार हो जाती है। चाट मसाला भी अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट कर लें, और बस ये दही के बगैर भी बहुत मजे की लगती है। सिंपल इसके साथ पापड़ी को फ्राई करूंगी और ऐसे ही इसको सर्व करूंगी। अच्छा, ये हो गए थे, तो अब मैंने ये रख दिया है इसके अंदर वेजिटेबल पास्ता, और इसको भी मेरा ख्याल 200 डिग्री था, और दोनों रॉड को ऑन करके तो मैंने इसको दिए थे मेरा ख्याल है हेलो 5 से 10 मिनट फ्रेंड्स, दिए थे। यहाँ मैं बना रही हूँ शरबत इस चम्मच से, आप भी सीख लें बनाना शरबत कैसे बनाते होते हैं। इसको ऐसे आपने अच्छी अच्छी तरह से धीमी आंच पे मिक्स करना है, दीदी आंच पे शरबत बना, धीमी स्पीड, स्लो स्पीड, स्लो स्पीड, यस। मम्मी ने आपको कहा था ये वाला कब आप उसे छिके में रख दें, आपने रखा नहीं अभी तक। मैं काम कर रही हूँ। बट दिस इज बिहेवियर पूजा, ये हमारे घर में हमने इधर आप जैसे सीखी नीचे से मुझे बेसन निकाल के दो, थोड़ा सा ये लोग अभी अभी आए हैं जल्दी बनाना हो रहे थे मुझसे है हमना तो काम, मैं रोज सारा काम कराती हूँ बस। तो दो एक पल करवाया, अब सारे रोने लग गए हैं अचानक से, पता नहीं क्यों। मम्मा बताएं तो जब रोज मैं यहाँ करती हूँ तब मुझे के साथ में मेरा भी तो रोज है अभी तो जैसे आप नहीं नहीं हम ना तुम काम करवाते थे जब तुम्हारी छुट्टियाँ थी ना, अब 2 दिन से तुम छुट्टी हो रात को 12 बजे कम सोया करो, 10 बजे सोया करो ना। मैंने कब कहा काम करो, ये वाला क्लिप काट देना बाकी पहले वाला डाल देना। फ्रेंड्स ये चुप कर जाए, मैं वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स ये मिक्स हो गया, अब हम इसके अंदर जामिश डालेंगे। दोबारा बोले हाँ, इस शरबत की रेसिपी जो है ना यूट्यूब की तारीफ में पहली बार आपको मिलेगी, ऐसी रेसिपी आपने से कभी कभी भी नहीं देखी। अब हम जामे शीर डालेंगे, हम रूह अफजा नहीं डालेंगे क्योंकि हम जामे शीर डालेंगे। नमक डाला हमने अभी, मैंने नमक डाला मुझे तो नहीं पता, मैं खुद अभी उठ कर आई हूँ, अब भी पता नहीं मैंने डाला है कि और डाल दें। नहीं नहीं मम्मा यहाँ नहीं डाला, पता नहीं मैं तो यहीं थी। फ्रेंड्स अब हम इसको मिक्स करेंगे, इतनी शरबत काफी को भी उठाना, मैं उठाती हूँ भी फिक्र नहीं करो तुम, मैं पहले उठा देती हूँ। मैं तो मम्मा को कह रही थी कि मम्मा जो भी उठा दूँ, मम्मा ने कहा नहीं। खुद ही उठ गया अभी। फ्रेंड्स मेरी हसीन वो कोई डाल दी फ्रेंड्स, मामना मरियम मारूंगी मैं मम्मा, वैसे भी कभी कभी मम्मा मेरी, कभी कभी मम्मा मेरी ओरिजिनल नेचुरल नेचुरल कह रही हूँ, फल्ला मेरे अंदर क्या हो गया नेचुरल, अभी देखना मेरा नेचुरल। मोहम्मद इब्राहिम आपका रोजा है आज? नहीं, स्पैरो रोजा नहीं। ये बहुत मजे का बनता है। आजकल इफ्तार के टाइम पे किचन में बहुत रौनक होती है माशाल्लाह से, जब मैं बना रही होती हूँ तो जाहिर है बच्चे भी आ जाते हैं, कुछ हेल्प करने के लिए आते हैं या देखने के लिए आते हैं कि क्या बन रहा है, तो बड़ी रौनक सी होती है, और आप उनकी गपशप ऐसे ही फन मस्ती जो है वो आपके साथ भी शेयर कर दी। अच्छा यहाँ पर अभी इफ्तार है,
थी नेबर से और ये फ्रूट चाट थी और दही भले थे, तो फिर अभी मैंने उनके जो प्लेट्स थी उसमें डालकर दी थी। ऐसे भी खाली बर्तन देना अच्छा नहीं लगता। तो बस हमारा यहाँ पर रोजा हो गया इफ्तार और अब हम करते हैं इफ्तारी। और आपसे भी चाहूंगी इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, लाइक जरूर किया करें, और वीडियो को शेयर तो आप नहीं करेंगे लेकिन लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर भी किया करें, ठीक है।